हार्ट टूटता है कि लौता ही घर में कमाने वाला था, क्या आप कहना चाहोगे, किस तरह से इस मामले को देखते हैं? पहले तो हम मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं जो एक समाज की बात को उठाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। ये जो टिंकू लड़का है कृष्ण का, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है जी, इसका 3 मार्च 2024 में देहांत हो गया। इसके साथ जो प्रताड़ना की घटना घटी है, इसके माता पिता के द्वारा बताई गई, जो गांव के सरपंच भी मौजूद थे पंचायत में, माजरा खाप के प्रधान गुरविंदर चंद वो भी मौजूद थे, और कम से कम 400-500 आदमी गांव के उस टाइम पंचायत में मौजूद थे जिस टाइम ये मृत्यु होने के बाद इसकी डेड बॉडी सुबह 4 मार्च को गाँव असरगढ़ में लेके आए। वहाँ पे इसने अपनी बात बताई कि मेरे लड़के की है ना 7-8 महीने पहले कोई गांव में मैटर हुआ था जी, 302 का मैटर था मर्डर, तो उसमें इस गांव के 7-8 बच्चों को उठाया गया जिसमें एक लड़का ये था टिंकू जी। उसमें उस दौरान 3-4 दिन इसको वहाँ पे पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया, तो जिस टाइम ये कस्टडी के अंदर था उसी टाइम इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी केस की जी। तो उस दौरान क्या होता है कि सीसीटीवी फुटेज मिलती है पुलिस वालों को, जिसमें वो जो लड़के जिन्होंने मर्डर किया था वो आइडेंटिफाई जाते हैं जी। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इसको 3-4 दिन विदाउट परमिशन के कस्टडी में जो रखा गया था इसको छोड़ देते हैं। इसके पेरेंट्स को, इसके फादर को बुला के, जो क्रिश्चियन है इसका फादर, भाई आपको हम इसको दे देते हैं, आप ले जाओ, इसका कोई इस केस से वो नहीं है, लेना देना नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये उसके लड़के को लेके आ जाते हैं, तो उसकी हालत उस टाइम बड़ी कंडीशन ख़राब थी जो इनके पेरेंट्स बताते हैं, इनके माता पिता। तो इसके माता पिता है ना इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं। उसके बाद फिर जो भी जींद के सरकारी या प्राइवेट वहाँ इसका इलाज करवाते हैं। उसके बाद फिर ये रोहतक भी जाते हैं, तो ये जो 7 PGI से ट्रीटमेंट भी चल रहा था, इसी दौरान ये 7-8 महीने का जो टाइम पीरियड है ये चलता रहता है। और उसके बाद इसकी 3 तारीख को रोहतक PGI के अंदर डेथ हो जाती है, 3 मार्च को। पुलिस के द्वारा जो टॉर्चर किया गया था, जो इनके पेरेंट्स ने हमें बताया कि भाई इसके जो इन्फेक्शन हो गया था यूरिन में, जो इसको मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है, इसको पेशाब वगैरह करवाया गया है उसके ऊपर, बिजली के उसके ऊपर, और जो भी चोटें अंदरूनी इसको लगी हैं, और जिस कारण इसके घर वाले बोले इसकी डेथ हुई है, क्योंकि 6-7 महीने 8 महीने उसके बाद है ना ये उठा नहीं वहाँ, और ये हम नहीं कह रहे, ये सारा गांव कह रहा है जी। तो जब इस घटना का सारे गांव वालों को पता चला भाई ये है, तो पुलिस वालों उसने गांव वालों के सरपंच ने सब ने मौजूदा आदमी थे जो, उन्होंने कहा भाई इसके लड़के के साथ, ये गरीब आदमी है, मजदूरी का काम करता है, मेहनत मजदूरी का, इसके 3 लड़कियां हैं ठीक है, एक इसकी वाइफ होगी और 4 इसकी सिस्टर हैं, तो कुल मिला के 8 तो इसके परिवार में लड़कियां हैं और कमाने वाला एक था ये जी। उसके बाद गांव की सहानुभूति इसके प्रति होती है, तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उठा के यहाँ लेके आते हैं नागरी अस्पताल जींद में, तो वो कहते हैं भाई इसका ना पोस्टमार्टम किया जाए ताकि इसके कारण पता चल सके भाई इसके साथ हुआ क्या है, एक्चुअल में भाई इसकी डेथ किस वजह से हुई है। तो गांव के सारे मौजूद आदमी उस टाइम आए थे 4 तारीख को, यहाँ पे सौग्रह में इसके बाद ये रखवाया, और कल इसकी पोस्टमार्टम हुआ है 5 तारीख को जी। पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसमें क्या आया है, लेकिन ये जो घटना घटी है ये बड़ी ही निंदनीय घटना है कि एक परिवार का जो बेटा है, एक लाल था जो कमाने वाला, जिसकी उम्र 28-29 साल थी, जो इस दुनिया में अब नहीं है, कारण कुछ भी रहा हो लेकिन कारण जानने का अधिकार हर आदमी को है। बिल्कुल ठीक है, इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। तो हम चाहते हैं, हम प्रशासन से भी भाई इसकी CBI से जांच की जाए और इसके परिवार को न्याय दिलाया जाए, बस हमारी यही मांग है। और इसके परिवार में जो इसकी पत्नी है, जो गुजारे भत्ते के लिए, क्योंकि इनकम का कोई साधन नहीं है जी, कोई भी पक्की नौकरी सरकार के द्वारा इसको दी जाए ताकि इसके परिवार का गुजारा बसारा चले। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए और आगे कार्रवाई करी जाए। ठीक है, क्या नाम है? एडवोकेट विनोद टिंडल है सर। एक अनुरोध हो रहा है भाई साहब आप लोगों से, भाई सभी पूरे जितना भी समाज है ना हमारा, पूरा समाज उसके बाद इकट्ठा होगा, अगर क्या नाम है जो बातें बोली गई हैं, अगर इन पे किसी प्रकार से भी क्या नाम है एक्शन नहीं होता है और
एक मांग और थी इनकी साथ में ही, भाई जिन्होंने क्या नाम है ये किया है वैसे गलत काम है, उनको अरेस्ट भी किया जाए, पहले मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट किया जाए। और बिल्कुल सर, और उसके बाद क्या नाम है डॉक्टरों को भी पता, इनको भी पता है किसने क्या किया क्या नहीं, यही क्या नाम छुपाने के लिए लगातार पुलिस इन पे दबाव भी बना रही है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या नाम पुलिस वालों को समझाया जाए कि इन पे वैसे एक्स्ट्रा दबाव ना बनाए। और सभी अधिवक्ता साथी इनके जींद के तो हैं, सभी इनके साथ ही हैं, और भी क्या नाम पूरा हरियाणा के भी आ सकते हैं अगर क्या नाम इस पे एक्शन ना लिया गया तो। जी क्या नाम है? वीरेंद्र एडवोकेट सर, बानपुर।